अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल FW मार्केटिंग। तो आपको एक यूनिक आइटम फर्नीचर के साथ का दिखाने चले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा, हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक अपडेट होती रहे, आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम छोटे से यूनिक आइटम। ये देख रहे होंगे 1.5x1.5 के स्क्वायर में बना हुआ है। ये देखिए नाज़रीन, छोटा सा, नीचे चार दो व्हील लगे हुए हैं इसके। ठीक है, ये बना हुआ है मिनी इस्त्री स्टैंड। आजकल रूम में फ्लैट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम हैं, 10x10 का रूम होता है या 10x14 का रूम होता है, पूरा बेडरूम सेट नहीं आ पाता, लेकिन छोटी मोटी जगह कॉर्नर के अंदर रखने के लिए जो है इस्त्री स्टैंड उस रूम में आसानी आ जाएगा। ये 1.5x1.5 का इस्त्री स्टैंड है। देखें हम पहले ये फोल्ड ऊपर से खोलेंगे हेड इसका, सही है, यहाँ पर इस्त्री रखने की जगह है। ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ये यहाँ पर ये व्हील लगा हुआ है इसके, ये इस तरह खुल जाएगा ये। ठीक है, इंटरफेस का इस तरह होगा नाज़रीन, ये देख सकते हैं। अब ये नीचे फोल्ड हुआ हुआ है इसका इस्त्री करने का फॉर्म। अब हम इसको यूँ करेंगे, यहाँ पर इसको इस्त्री स्टैंड की तरह इसको यहाँ रख देंगे। ये देखें नाज़रीन, ये इसका इंटरफेस है। आप यहाँ पर आराम से कपड़े प्रेस करें, इजी करें, लोड करने से भी वजन नहीं पड़ता इस पर अगर हाथ रख देते, क्योंकि नीचे व्हील दिया हुआ है जो सपोर्ट दे रहा है, इसको पल्ला नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम बंद कर देते हैं। फोल्डिंग का आसान तरीका है, आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। इसको साइड बोर्ड के तौर पर भी यूज़ सकते हैं, छोटा मोटा सामान आपने मतलब बच्चों का कोई सामान रखना है या चाय का कप रखना है उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके चलते हैं इसके बैक साइड पर। ठीक है, इसकी बैक साइड इस तरह है, इधर ऊपर एक दराज दी हुई है नाज़रीन, ऊपर लॉक दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर गोली चैनल लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है नाज़रीन, देखें। फिर इसके बाद छोटा मोटा सामान, फॉर एग्जाम्पल इस्त्री ही स्टोर करने के लिए, अगर आपने इस्त्री करने में स्टोर करनी है, इस्त्री अंदर रख दी, या कोई बोर्ड वगैरह इस्त्री का वो भी अंदर रख दिया, ये छोटा मोटा सामान आपका काफ़ी सारा स्टोर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये बहुत प्यारा लुक आ रहा है। सही नाज़रीन, ये तो आपने इस्त्री स्टैंड देखा है, ये एक नॉर्मली कलर के अंदर बना हुआ है, शीशम कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, ये वाइट कलर होता है, लेकिन आप इसको जो है ऑर्डर पर भी अपनी मर्ज़ी का अगर बेडरूम सेट बुक कराते, फॉर एग्जांपल ये रेड बेडरूम सेट एक रैली का नज़र आ रहा है, ठीक, ये भी बन सकता है। अंदर आपको ब्लू कलर का बेडरूम सेट नज़र आ रहा है, ये अलग अलग स्टाइल की सब मैचिंग का भी आप बनवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर एक रैली का काम हो जाएगा। ये जो नॉर्मली इस्त्री स्टैंड, इसकी मैं प्राइस बताता चलूँ, ये मिनिमम आपको पड़ेगा 6,500 रुपये का इस्त्री स्टैंड, अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है, 6,500 रुपये का इस्त्री स्टैंड पड़ेगा आपको। लेकिन आप बेडरूम सेट की मैचिंग का बनवाते हैं, चाहे पर्पल कलर हो, चाहे रेड कलर हो, चाहे वाइट ग्रेलिक कलर हो, चाहे शीशम कलर हो, कोई भी कलर हो, अदरवाइज़ बेडरूम सेट की सेम मैचिंग होगी, कंट्रास्ट भी इसके अंदर आएगा, ये आपको पड़ेगा उसके हिसाब से, बेडरूम सेट की मैचिंग के हिसाब से इसके प्राइस बता देंगे। जो भी प्राइस होंगे, शॉप पर आएंगे, विजिट करेंगे, बेडरूम सेट की मैचिंग के हिसाब से इसके प्राइस बता देंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।